हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। धारा 370 ने सोमवार को अपनी आखिरी सांस ली। 70 सालों से भारत और कश्मीर के बीच एक अनचाही दीवार की तरह खड़ी ये एक धारा उस समय ढह गई जब गृह मंत्री ने इसके खात्मे का ऐलान किया। पिछले कई दिनों से खाटी में चल रही गहमा गहमी की असलियत आखिरकार सामने आ ही गई, लेकिन क्या ये बीजेपी के फटाफट लिए गए फैसलों में से था या फिर सरकार इसकी तैयारी पहले से ही कर रही थी? आइए आज के इस खास कार्यक्रम में जानते हैं। धारा 370 पिछले करीब 15 सालों से आप उस मुद्दे को अपने इर्द गिर्द घूमते हुए काफी महसूस करते रहेंगे। सोचकर लगता होगा कि आखिर यह 370 की धारा है क्या और इस धारा में राजनीति बार बार डुबकी क्यों लगाती है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। गृह मंत्री के इन बोलों के साथ ही कश्मीर 370 की बेड़ियों को तोड़ अभिन्न भारत का अंग बन गया। भले ही विपक्ष हूटिंग करता रहा, लेकिन बीजेपी सरकार का ये ऐलान उनके चुनावी रथ की तरह ही बढ़ता रहा। 5 अगस्त की ये तारीख भारतीय इतिहास में दर्ज हो गई और कश्मीर बिना किसी शर्त भारत का हिस्सा बन गया। जैसे ही गृह मंत्री सदन में धारा 370 पर बोले, धीरे धीरे सारी चीजें आईने की तरह साफ हो गयी। महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। तो गृह मंत्री के इस ऐलान के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, यानी अब यहां के महत्वपूर्ण फैसले केंद्र के हाथ में होंगे। हालांकि इस फैसले के बाद राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उससे लगने लगा था कि सरकार शायद अपने फैसले पर अकेली पड़ जाए, लेकिन बीजेडी और बसपा के समर्थन के बाद सरकार की जान में जान आ गई और वो लगातार विपक्ष के सवालों का सामना करती रही। लगातार विपक्ष को अपने जवाब से यह एहसास भी दिलाया कि धारा 370 लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति था। संविधान के समय समय पर संशोधित जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, अंतरियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, नीति, रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। तो सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का क्या असर हुआ है, आइए समझते हैं। धारा 370 की वजह से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था जो अब उसे नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी संविधान भंग करने की अनुमति नहीं थी जो अब होगी।
धारा 370 के तहत यहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाती थी, पर अब वो भारतीय कहलाएंगे। पहले कश्मीर का झंडा अलग हुआ करता था, पर अब कश्मीर के लिए भी तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज होगा। स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद एक ऐसी अनहोनी बात पार्लियामेंट के द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ हुआ था और इस एक्सेशन के पीछे एक इतिहास था और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बनाए रखने के लिए 70-71 वर्षों में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, सिविलियंस ने, हजारों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, लीडर्स और उनके वर्कर्स, उनकी जानें चली गई, हजारों फौज के लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग बना रहा। और जब जब भी आतंकवाद हुआ, उस आतंकवाद का मुकाबला कश्मीर की आवाम ने किया और मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने उस आतंकवाद का मुकाबला किया, और जैसे मैंने कहा कि उसका मुकाबला सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी किया, और एक झटके में बीजेपी की सरकार ने पावर के नशे में, सत्ता के नशे में और वोट हासिल करने के लिए, ये आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर, वोट लेने के लिए, तो इस स्टेट को अगर किसी ने बांध के रखा था तो आर्टिकल 370 ने रखा था। सरकार ने अपने इस फैसले को अखंड भारत की तरफ उठाया गया कदम बताया और सदन में उसके पक्ष में जो लोग आए हैं उससे तो ये लगता है कि सरकार के इस कदम को रोका जाना बेहद मुश्किल काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।